स्टार सलमान खान ए लिस्ट फिल्म और उत्पादों के विज्ञापनों के अलावा पिछले 9 सालों से रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। शो के 13वें सीजन में भी वे नजर आएंगे। खास बात तो ये है कि इस बार शो से उनकी कमाई में करीब 100 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सूत्रों की माने तो इस बार सलमान ने चैनल के साथ करीब 403 करोड़ रुपए की डील की है। हर वीकेंड टीवी पर दिखने के लिए सलमान को करीब 31 करोड़ रुपए मिलेंगे। शो 13 सप्ताह तक चलेगा और सलमान खान सिर्फ शनिवार और रविवार को वीकेंड का वार में नजर आएंगे। इस हिसाब से कुल मिलाकर 26 एपिसोड नजर आएंगे। वहीं पिछले साल के मुकाबले सलमान को उनकी फीस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिली है। जी हां, उनकी वजह से वह टीवी प्रोडक्शन में सलमान खान की तेज़ी से विकास करने की चाहत है। सूत्रों की माने तो सलमान द कपिल शर्मा शो और नच बलिए 9 जैसे शो प्रोड्यूस करने के बाद कलर्स चैनल और एंडोमेल प्रोडक्शन, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के मेकर्स के साथ मिलकर अपना एक शो लाना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने इस बार अपनी फीस ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।